तेरे पहलू में लेटे हुआ का अजब दर्द है जो तुझे रात भर अपनी वीरान आंखों से धक देते और तेरे शादाब शानों पे सर रख के मरने की ख्वाहिश में जीते रहे। पर तेरे लक्ष्य का कोई इशारा उनको मैसर नहीं था। हाँ मगर इस जहां का कोई एक हिस्सा उन्हें तेरे बिस्तर से बेहतर नहीं था। एक दिन को बहरहाल हम अपने सीने में लेकर मरेंगे कि हमने मोहब्बत के दावे किए तेरे माथे में सिंदूर टाका नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है हम दूर है तुझसे या पास है। हम कोई आदमी तो नहीं, हम तो एहसास है जो रहे तो हमेशा रहेंगे और गए तो मुड़ के कभी वापस नहीं आएंगे। इसी उनका नजर के लिखने वाले शायर तहसीब भाभी को मैं आवाज देता हूँ। जानना भी अहम है, उसके घर का पता जानते हो। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही प्यारा सुन रहे हैं आप। सामीन एक बात बताता हूँ कि मोहब्बत एक ऐसी चीज है कि जब होती है तो पता नहीं चलता, जब वो शख्स पास होता है तो पता नहीं चलता, दूर जाता है तो पता चलता है कि मोहब्बत हो जाती है। मोहब्बत में जो सुन रखा तो वैसा कुछ नहीं होता। मोहब्बत में जो सुन रखा सदा सा वैसा कुछ नहीं होता। इसमें बंदा मरता, इसमें बंदा मरता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, इसमें बंदा मरता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। इसमें बंदा मरता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। और ये फिल्मों में ही सबको प्यार मिल जाता है आखिर में। क्या बात है, सबको ये फिल्मों में ही सबको प्यार मिल जाता है आखिर में, मगर सचमुच में इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बारे में ये कहता था मैं लोगों से, मेरा नाम बदल देना वो शख्स।
और बस मैं उसको यही झूठ सुनने को फोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है तुम्हारी आवाज का। जिंदाबाद जिंदाबाद, ये तो तहजीब है।